उन्होंने पहले आप फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब को 1945-46 के करीब पहली बार गाने का मौका दिया और 50 रुपए रफ़ी साहब को दिए गए, वहाँ से उनके गायकी करियर की शुरुआत हुई। हिंदी सिनेमा में आने के बाद जहाँ तक आप जैसे जानकार लोगों ने मुझे बताया है कि सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली उनकी आवाज़ की बदौलत, जो फ़ायदा हुआ वो उस कलाकार के लिए जिस कलाकार ने हमेशा दुनिया के सामने छाती ठुक कर ये कहा है कि रफ़ी साहब मेरी आवाज़ हैं, उनके जाने के बाद मेरी आवाज़, और वो हैं शम्मी कपूर साहब। 1957 में ओबी नियर साहब के संगीत निर्देशन को लेके तुमसा नहीं देखा से पहले शम्मी कपूर साहब 17 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे और तुमसा नहीं देखा हीरोइन को प्रमोट करने के लिए फिल्म बनाई थी, लेकिन नैयर साहब के संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ के जादू ने ऐसा कारनामा किया कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आसाम के चाय के बगानों में जाने की सोचने वाले शम्मी कपूर साहब लाखों करोड़ों दिलों के सरताज। आइए इसी बात को याद करते हुए शम्मी कपूर साहब की फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं एक बहुत ही होनहार कलाकार को यहाँ बुलाने वाला हूँ। संतोष फाउंडेशन के द्वारा अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, ये होटल मैनेजमेंट करते करते संगीत सीख रहा है, और अगर आप लोगों की दुआएं रही तो ये लड़का आकाश को छुएगा, क्योंकि इसका नाम भी है आकाश। आकाश प्लीज आइए स्टेज पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहता है वो कहने दो मुझे।
से मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू आकाश। बहुत कैसा गाया आकाश ने। अच्छा ये एक बात बता आकाश, तूने गाना यही आज क्यों सेलेक्ट किया? कोई आया है जिसे सुनाना चाहता है तो? जो दिल में है उसे कहने दो, ऐसा नहीं है ना? हाँ मत करना भाई, अभी बहुत आगे जाना है तेरे को। थैंक यू। एक बात बोल दूँ, तूने शुरुआत की ये बड़ी बात है, क्योंकि मंजिलें मिल जाएंगी भटकते ही सही, मंजिलें मिल जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।